तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? श्रुति आराम से, वो तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड और हस्बैंड है। बॉयफ्रेंड होने वाला कुछ और ही है ये। Hey guys, welcome back to our new video. तो यार श्रुति तो है बहुत ज्यादा परेशान, पर अभी ना मेरे अंदर का जो वो है ना उसमें मतलब सेटिस्फेक्शन मिला नहीं उसे परेशान कर करके, तो आज मैं उसको थोड़ा सा और परेशान करूंगी। मैं कहूंगी ये लड़का भी भाई आयुष ही है, तो तुम्हारा आयुष तुम्हारे सामने है और तुम्हें बहुत प्यार करता है और करेगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। क्यों बुलाया मुझे, अब क्या करना है तुम्हें? आज मुझे ना तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी है आयुष वाली। करो प्लीज करो, मैं तो तुम्हारी, क्योंकि देखो कुछ भी हो यार, देखो हो तो तुम मेरी बहन। हाँ। और यार पता है बहन की भी बात नहीं है, जब हम जिस किसी लड़के को प्यार करते हैं ना, तो उसके अलावा हम किसी को नहीं देख सकते अपने साथ, और ना उसके साथ किसी को, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आई स्वेयर मैं किसी तरह का कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो बात ये है कि देखो तुम्हें आयुष से बहुत प्यार है ना, तुम चाहे कुछ भी करोगी, तुम कुछ भी करोगी, पर तुम्हें आयुष चाहिए चाहिए चाहिए। सही बात है, सही बात है ना। ये आयुष, इसका नाम भी आयुष है, टेंशन मत लो। जब से दीक्षा मैम ने आपकी फोटो दिखाई है ना, मैं खोया खोया रहता हूँ। प्लीज खोया खोया रहता हूँ क्या, मेरी बहन के साथ तुम भी पागल हो गए? ऐसे कैसे फोटो दिखा दी, खोया खोया रहता हूँ? कौन है ये, इसे क्यों उठा लाई हो? आयुष है ये, तुम्हें आयुष? अरे वो वाला पागल, वो वाला आयुष नहीं, ये आयुष ही सही है यार। तुम चाहती हो ना कि ये लिखा हो कि आयुष वेड श्रुति, तो ये लिखा होगा। तुम क्या पागल हो, मतलब जो आयुष चल फिर रहा होगा मुझे उसे प्यार हो जाएगा, ऐसे तुम किसी को भी उठा के ले आओगी? भाई तुमने तो मुझे आयुष का कहा था, तुमने फोटो नहीं दिखाई थी ना, तो ये तो भाई तुम्हारा आयुष तैयार खड़ा है सामने। और तुम्हारी अंदर तमीज नहीं है, मेरी बहन जो बोलेगी तुम कर दोगे? तुमने जो देखा था वो तुम तो यार उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सच में। अगर ये चाहते है कि मैं इसकी पिटाई करके इसे भगाऊं ना, तो इसे बोलो चुप रहे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? श्रुति आराम से, वो तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड और हस्बैंड है। बॉयफ्रेंड होने वाला कुछ और ही है ये। कुछ और क्या? अबे यार तुम हर बात को गलत क्यों समझती हो? मैं गुस्से में हूँ और ये जो हरकत तुमने करी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कूल लग रही हो, तो तुम नहीं लग रही हो। श्रुति मुझे लगना ही नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी विश पूरी कर। अच्छा चलो चलो जल्दी से हैंडशेक करो। हैंडशेक मैं उसकी हाथ ही नहीं रहने दूंगी। क्या मतलब भाई? हाँ तुम्हारी, एक तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करो, आयुष ढूंढ ढूंढ के लाओ, इतनी मुश्किल से मिला है मार्केट में, ढूंढ के लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसे तुम चलते फिरते किसी भी लड़के, तुम मेरी बहन ही हो ना, तुम्हें अच्छा लगे कैसे कोई चल फिर रहा है और मैं उसके साथ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलूं? यार मेरा भी नाम आयुष है यार। तुम्हारा नाम आयुष है, तुम्हें अच्छा डालू अपने पॉकेट में रखो तुम अपना नाम। तुमने जो हरकत करी है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं खुश हो गई हूँ, तो मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं तुम्हारी हंसी छीन लूँ हमेशा हमेशा के लिए। देखा उसने कहा है कभी श्रुति, उसने कहा है कभी? समझ में नहीं आ रही है कुछ। मैं क्या कह रही हूँ, उसने कहा है तुम्हें कभी कि श्रुति मैं तुम्हें हमेशा बहुत प्यार, वो तो देखो कैसे ऐसे चुपचाप खड़ा रहता था, ये देखो ना तुम्हारे लिए दो वर्ड जैसे इतने प्यारे प्यारी लाइंस निकाल रहा है तुम्हारे लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें। मैं करूंगा वो सारी। वाह भाई, ओ भाई 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 भाई, देख रही हो तुम दोनों को मैं पागल खाने भेज दूं अगर तुम्हें जरूरत है तो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे बेनिफिशियल जरूरत, अगर तुमने इसको नहीं भेज दूंगी, अगर तुमने इसे नहीं अपनाया तो तुम पागल हो जाओगी। क्या तुम पागल हो यार? तुम अपने सेंसेस में हो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे कोई भी आयुष समझाओ ना कि वो चला गया पर तुम नहीं जाओगे? मैं थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी ना तो तुम समझाने लायक नहीं बचोगे। यार देखो ना उसकी आंखों से कैसे उसका प्यार टपक रहा है। कर लो तुम, कर लो प्यार ऐसे प्यार टपक रहा है। मैं तो योगी को प्यार करती हूँ ना। अच्छा तो अच्छा तो एक बात बताओ, अगर मैं योगी के नाम का कोई भी लड़का ले आऊंगी तो तुम उसे प्यार कर लोगी? नहीं, योगी तो मुझसे शादी करेगा ना, पर उसके जैसा क्यों ढूंढ के लाना है? काश अगर मेरा बस चलता और मैं तुमसे बड़ी होती तो मैं तुम्हारी रैप पे लगा देती। श्रुति अपनी लिमिट्स में रहो, मैं समझी? तुमने अपनी लिमिट्स देखी? मैं थप्पड़ मार दूंगी। क्या हरकत की, आयुष से शादी कर रही है, ये रहा तुम्हारा आयुष? लो मैं इसे थप्पड़ बजा दूंगी, तुम इसे लेके निकलो यहाँ से। तुम इसे मारोगी और वो तुम्हें इतना प्यार करता है। तुम प्यार करते हो, मैं तो नहीं करती ना, नहीं करती ना। कर लो ना, उससे ज्यादा प्यार करूंगा मैं आयुष से ज्यादा, मेरा भी तो नाम आयुष है। नहीं नहीं पागल नहीं। और एक और बात बताओ, ये भी बहुत ना शांति पूर्वक टाइप बंदा है, बहुत शांति पसंद करता है, उसी आयुष की तरह पकड़ के तुम्हें गोल गोल घुमा दूंगी। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो यार, इसको समझाओ। एक मिनट पहले चुप हो, एक बार इसकी बातें तो सुन सकती हो ना थोड़ी सी? एक बार सुनो, मेरे कान से खून आ रहा है, मैं नहीं सुन सकती। तुम सब पागल हो यार, तुम चुप रहो, तुम पागल हो। नहीं कहीं चली जा रही हूं, तुम्हें अगर ये गलत लग रहा है ना, तोड़ दूंगी। अपनी किसी फ्रेंड के पास जाना, एक मिनट रुको, एक मिनट सब सुनो। अगर तुम्हें ये गलत लग रहा है तो अपनी किसी से भी फ्रेंड से जाके पूछना कि मुझे आयुष से शादी करनी थी, मेरी दी आयुष को उठा के ले आई तो उसने कुछ गलत किया? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम चाहते हो। श्रुति प्लीज एक्सेप्ट कर लो यार,
मैं उससे सारी ख्वाहिशें पूरी करके दीदी जो तुमने हरकत करी है तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मेरे साथ तुमसे मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती क्योंकि पढ़ाई तुम ढंग से करती नहीं, बॉयफ्रेंड तुम्हारा किसी और से ब्याहने जा रहा है और करियर की तो तुमने ऐसी तैसी कर रखी है। मैं इसको 2 मिनट में ऐसे गायब कर दूंगी तो तुम दोनों निकलो और मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। वो तो चला गया लेकिन प्लीज मैं नहीं जा सकता यार, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मानो मेरी बात को यार, एक्सेप्ट करो। वो अपने घर वालों को छोड़ने के चक्कर में है, तुम्हारे चक्कर में सिर्फ यार। मैं थोड़ा बदतमीजी करोगी श्रुति, इन्होंने मेरे को फोटो दिखाई है आपकी, ये तुझे पक्का पागल खाने से लेके आई है। मुझे नहीं, मैं कोई पागल खाने से नहीं आया हूं, प्लीज वापस छोड़ो। मैं नहीं यार, पागल पागल हो गया श्रुति, मैं कैसे छोड़ूंगा, वो तुम्हें प्यार करता है, मैं जा रही हूं, तुम अपना सॉर्ट आउट करो भाई। तो यार श्रुति तो ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई मुझसे, उसको लग रहा है यार ये कर क्या रही है मेरे साथ। पर यार चलो थोड़े टाइम बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो मैं बड़ी खुश हूँ, सही हो गया यार जो था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।